सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आज मैं फिर जबरदस्त टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ आपके सामने अवेलेबल हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको माइक वाला कैमरा सीपी प्लस के तरफ से जो 2.4 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है ये वाला कैमरा, इसका मॉडल नंबर चेक कर लीजिए आप फटाफट। सीपी GCC DA24PL2C SE060 ये है 2.4 मेगापिक्सल का, ठीक है, बिल्ट इन माइक, ठीक है, माइक वाला कैमरा है दोस्तों ये आपका, देख लिए ना आप मॉडल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कैमरे के बारे में। इस कैमरे के बारे में कहीं आप सब कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखें। मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैमरा इंस्टॉल कैसे करना है, इस कैमरे को माइक वाले कैमरे को इंस्टॉल कैसे करना है, माइक सेटिंग इन DVR में क्या सॉफ्टवेयर सेटिंग करेंगे जिससे कि इस कैमरे की आवाज आपके TVR और आपके मोबाइल पे आ जाए, TV और मोबाइल में साउंड को कैसे सुनेंगे ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, कौन कौन से DVR मॉडल में ये कैमरा लगेगा यानी आपके घरों में जो DVR है उसमें ये कैमरा इंस्टॉल होगा कि नहीं, कहीं ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक DVR में कितना माइक वाला कैमरा लगा सकते हैं, यानी 4 का आपका DVR है तो क्या आप 4 कैमरे लगा सकते हैं, इसका आंसर भी बहुत ही सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, मैं बताता हूँ आपको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को आप लाइक करना भूल जाते हो यार, वीडियो को लाइक करिए। कर दिया लाइक आपने, चलिए वीडियो को लाइक कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कि कैमरा को इंस्टॉल कैसे, दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है कैमरे को इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। ये कलर वाला कैमरा है, गार्ड सीरीज कैमरा है, रात में भी कलर आपको दिखेगा, बट इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल नॉर्मल जो कैमरे को आप इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, ये DVR है आपका, है ना, DVR से आप एक कैमरा लेके एक वायर लेके जाते हो और यहाँ पे BNC कनेक्टर और यहाँ पे DC कनेक्टर है ना, उसमें आप कैमरा लगा देते हो, है ना। नॉर्मल जो कैमरा है उसी टाइप का कैमरा है ये भी, इसमें कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें माइक एक्स्ट्रा है, तो सिर्फ माइक के लिए इसमें माइक एक्स्ट्रा जरूर है बट माइक के लिए कोई वायर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जो आप DVR से कैमरे के पास वायरिंग करते हो 3+1 वायर उसी में आपको ये कैमरे को लगाना है। मैं आपको एग्जिस्टिंग, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ 8 कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, उसी में एक कैमरे में मैं उस नॉर्मल कैमरे को निकालूंगा, उसमें माइक वाला कैमरा आपका लगा के आपके DVR में, ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया कैमरा इंस्टॉल कैसे करना है, नॉर्मल कुछ नहीं, नॉर्मल जैसे HD कैमरा इंस्टॉल होता है ये भी HD कैमरा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक है बट माइक के लिए अलग से आपको वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। जो आपके घरों में DVR लगा हुआ है, जहां पे आपका कैमरा लगा हुआ है नॉर्मल HD कैमरा, उसको आप निकालेंगे और इस कैमरे को लगा देंगे, बस आपको DVR में एक सेटिंग करना रहेगा। देखो ये है माइक सेटिंग इन DVR, DVR में आपको माइक के लिए इसकी आवाज को सुनने के लिए आपको क्या सेटिंग करना है, सेटिंग को आपको अपने DVR में करना है, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं कैमरा इंस्टॉल करके दिखाता हूं, उसके बाद माइक की सेटिंग DVR में क्या होती है वो करके दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको TV या मोबाइल पे साउंड सुनाऊंगा, आपको बता दूंगा कि कौन से DVR में ये CP प्लस के DVR में ये माइक वाला कैमरा लगेगा, फिर एक DVR में कितने माइक वाले कैमरे आप इंस्टॉल कर सकते हो उसके बारे में भी बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले कैमरा इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारे यहाँ का कैमरा है ना, इसमें 8 कैमरे लगे हुए हैं HD कैमरे। देखिए एक ऑफिस में लगा हुआ है ये कैमरा, देखिए दोस्तों यहाँ पे जो कैमरा लगा है नॉर्मल सा है ना, 8 कैमरे में देखिए एक कैमरा यहाँ पे लगा है, इस कैमरे को निकाल के भी आप ये वाला कैमरा लगा सकते हैं, यहाँ पे सिंपल से यहाँ लग जाएगा है ना उसी कनेक्टिविटी, बट ये वाला फॉल सीलिंग है करके इसका वायर अंदर है करके मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं आपको बाहर में एक कैमरा लगा हुआ है वहाँ पे इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। चलिए मैं ले जाता हूँ आपको, लगे हुए हैं देखिए यहाँ वाला कैमरे को मैं रिप्लेस करता हूँ इस कैमरे के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कैमरा लगा है, ये भी नाइट विजन है, ये भी नाइट विजन में, देखिए ये तो नाइट विजन में कलर दिखाएगा, वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा था आपको, यहाँ पे दिखाएगा कलर,
है ना, ये वाले कैमरे में आपका कलर आएगा क्योंकि ये गार्ड सीरीज का है। ये नॉर्मल वाला एचडी कैमरा है ना। यहाँ पे देखिए ये बीएनसी लगा हुआ है, यहाँ पे डीसी लगा हुआ है। जस्ट मैं इस कैमरे में देखिए, इस कैमरे में कुछ नहीं कर रहा हूँ है ना, इसका बीएनसी मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, है ना। बीएनसी देखिए, ये बीएनसी और डीसी निकाला, सिंपल मैं यहाँ लगा देता हूँ ये बीएनसी, और उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ डीसी। ठीक है, लाइट चालू कर देता हूँ यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए ये बीएनसी है और ये है डीसी, आपको दिख रहा होगा। और ये कैमरा यहाँ पे लग गया, नॉर्मल जो सिस्टम लगा हुआ है वहीं पे मैं कैमरा लगा दिया हूँ, है ना। देखिए आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, है ना। ये देखिए ये बीएनसी है और ये डीसी है, ठीक है। उस कैमरे को मैं निकाल दिया हूँ, नॉर्मल वाले कैमरे को, वो माइक वाला कैमरा नहीं है, उसके जगह मैं माइक वाला कैमरा इंस्टॉल कर दिया हूँ, ठीक है। ये देख लें, ये तो हो गया कैमरा इंस्टॉल। इसके बाद डीवीआर में आपको क्या सेटिंग करना है, चलिए फटाफट हम कैमरा, ये कैमरा स्टार्ट हुआ है कि नहीं वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं डीवीआर की सेटिंग आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला है आपका, ये वाला कलर वाला कैमरा लग गया है यहाँ पे, है ना। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लाइट बंद करके दिखाता हूँ, यहाँ पे पूरा लाइट बंद कर दो कुमार बाजू वाले ऑफिस में। देखिए पूरा लाइट बंद कर देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद भी ये कलर व्यू ही दिखेगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखेगा। अभी तो सामने दिख रहा है, मैं और भी इसको अंधेरा करता हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये वाला कैमरा है, देखो ये वाला कैमरा, ये कैमरा अभी गार्ड सीरीज का लगा हुआ है 2.4 का, देखिए माइक वाला, और यहाँ पे लाइट चालू है, कलर दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे लाइट बंद करूंगा तो भी कलर दिखेगा, वहां का लाइट बंद करो तो ऑफिस का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइट बंद हो गया है, उसके बाद भी देखिए ये कलर फुल कैमरा दिख रहा है, देखिए कलर दिख रहा है, पूरा कलर दिख रहा है लाइट बंद होने के बावजूद। मैं आपको दिखाता हूँ उस रूम में कैसा लाइट है। देखिए दोस्तों, ये वाला कैमरा को मेरे तरफ दिखाओ कुमार, मेरे तरफ ऐसे देखो, उसमें लाइट जल रहा है, इसी के कारण वो कलर दिखता है। बाकी देखिए रूम आपका कैसे दिख रहा है, पूरा अंधेरा है ना, अंधेरे में पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिखना चाहिए, बट ये गार्ड सीरीज का कैमरा है करके आपको कलर व्यू मिल रहा है, ठीक है। देखिए उधर दिखाओ, हाँ देखिए उस पर लाइट चलता है, देखिए कैमरे पे लाइट जलता है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कैमरे पे दिखाऊं, ये देखिए ये कैमरे पे ऐसा लाइट जलता है ना, इस टाइप का लाइट जलता है, जिसके कारण उधर थोड़ा हल्का उधर कर दो कैमरे को, और उधर करो, ये देखिए इस टाइप का रात में कैमरे पे लाइट जलता है ना। यहाँ माइक वाला, इसमें से डीवीआर में क्या सेटिंग करना है, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेनू में जाएंगे, है ना, आपको एनकोड में जाना है दोस्तों। देखिए एनकोड में जाना है, ये कौन से नंबर का कैमरा है दोस्तों, 6 नंबर का कैमरा है। तो एनकोड में जाएंगे हम, मेन मेनू में, एनकोड में, और देखिए यहाँ पे चैनल नंबर 6 सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो ऑडियो का सोर्स है दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ हमें यह रेड करना है, और यहाँ पे जो ऑडियो सोर्स है उसको HDCVI करके अप्लाई करना है। कहीं आपके यहाँ ऑडियो सोर्स HDCVI है आपके DVR में, तो आपके DVR में ये कैमरा 100% इंस्टॉल होगा, है ना। जैसे मैं इसको अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, सेव करता हूँ, जाके वहाँ पे देखिए इसको जैसे आप बड़ा करेंगे, देखो यहाँ पे आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। हेलो हेलो माइक चेक, और बोलिए। हेलो हेलो माइक चेक, ठीक है। देखिए ये आवाज़ आना स्टार्ट हो चुका है आपका, जैसे डबल क्लिक करेंगे कैमरे का आवाज़ आता है, कुछ बोलिए वहाँ पे, ऑफिस के अंदर में बैठ के बोलिए कुछ। हेलो, ऑफिस के अंदर जाओ, अब बोलो। हेलो, माइक चेक। देखिए आवाज आ रहा है यहाँ पे, है ना, प्रॉपर तरीके से। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे क्लिक करेंगे तो कोई आवाज नहीं आएगा, क्यों, ना ये माइक लगा है ना ही माइक वाला कैमरा लगा है, इसलिए यहाँ पे कोई आवाज नहीं आएगा। मोबाइल पे कैसे चलाना है, आईफोन हो या एंड्रॉइड हो, मैं आपको कई बार बता दिया हूँ, इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जाएंगे और जो भी आपका कैमरा है, जैसे मेरा ये कैमरा लगा है सीसीटीवी पे, ये देखिए यहाँ पे ये यहाँ से वहां पे मैं अपना मोबाइल को चालू करके आया हूँ दोस्तों। देखिए वहां का आवाज यहां तक आ रहा है ना मोबाइल पे, ऐसे आप साउंड चालू कर सकते हैं और यहां से ही बंद कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको मोबाइल पे कैसे सुनना है वो भी मैं बता दिया। दोस्तों आपने देखा कि हम माइक वाले इस कैमरे को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे माइक का सेटिंग डीवीआर में करते हैं। कई बार क्या होता है, ये सेटिंग भी करने की जरूरत नहीं रहेगा, आपका डायरेक्ट माइक पे आवाज आ जाएगा। टीवी मोबाइल पे आवाज को कैसे सुनना है वो भी देख लिए, और कौन कौन से डीवीआर देखे। मैक्सिमम जो सीपी प्लस के डीवीआर है, 3-4 साल कहीं हुआ होगा आपके डीवीआर पे, तो 100% आपके डीवीआर पे ये वाले कैमरे लग जाएंगे। मान के चलो ऑलमोस्ट सभी डीवीआर पे ये कैमरे चलेंगे, बट ऑडियो सोर्स मैं जो एनकोड में आपको दिखाया था, है ना, एनकोड में जो डीवीआर की सेटिंग में बताया था आपको, एनकोड में जो ऑडियो का सोर्स है वहां पे आपका HDCVI आना चाहिए, है ना। ये एक छोटा सा चेक कर सकते हो आप अपने डीवीआर में, कहीं ऐसा आ रहा है तो 100% आप इस कैमरे को आप लगा सकते हो। एक डीवीआर में कितने माइक वाले कैमरे लगा सकती है, एक तो मैं लगा के दिखा दिया हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं 4 पोर्ट के डीवीआर में 4 माइक वाला कैमरा आपको लगा के दिखाऊंगा, वहां से आपको और भी आसानी हो जाएगी समझने में कि एक डीवीआर में कितने माइक वाले कैमरे लगेंगे। ठीक है, उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, ताकि मैं वो वीडियो जब अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए, और फटाफट उस वीडियो को भी आप देख लो और आपको पता चल जाए कि एक डीवीआर में कितने माइक वाले कैमरे लगते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा, माइक का झंझट कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या है, पहले जो माइक लगाना पड़ता था, माइन ऑडियो आउट जो लगाना पड़ता था, वो कंझट ही नहीं है। डायरेक्ट नॉर्मल सा कैमरा आप लगाओ, उसी में माइक है, डायरेक्ट आपको अपने मोबाइल पे और आपके टीवी पे ऑडियो आ जाता है। तो दोस्तों ये कैमरा कैसा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। मैं 2-4-5 वीडियो और भी इस कैमरे के बारे में बताने वाला हूँ, और भी ज़्यादा रिसर्च करके। एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है आपका, अभी जो डीवीआर लगा हुआ है, 4-5-8 कैमरे लगे हैं, वहां पे डायरेक्ट आप नॉर्मल कैमरे को निकाल के माइक वाला कैमरा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट और भी अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। कहीं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जरूर जाना, नीचे कमेंट सेक्शन है, आपको क्या समझ में आ रहा है, आगे वीडियो में क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट करिए, और कहां से आप वीडियो देख रहे बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं, मुझे पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियो कहां कहां पे देखा जा रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो में कहीं कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं कल, वो है 4 चैनल के डीवीआर में क्या 4 माइक वाला कैमरा लगा सकते हैं सीपी प्लस के डीवीआर में। तो दोस्तों ये वाला टॉपिक का वीडियो कहीं देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, मैं अपलोड करूंगा और वहां पे और भी जबरदस्त जानकारी आपको इस माइक वाले कैमरे के बारे में दूंगा।